ओबीसी लोगों को जमा करके चूतिया बना के वोट लेने के लिए ये लोग यहाँ पर फंक्शन बना रहे। जो कोली कब्बलिगा और तवार समाज के लोग, हम लोग आपको हमारे संगठन की तरफ से आपको घेराव करेंगे। ये राज्य के मुख्यमंत्री, ये राज्य के माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, ये दोनों लोगों को घेराव करते हैं, काला झंडा दिखाते, तुम्हारा मुंह काला है, तुम्हारा वादा निभाए नहीं तुम लोग, हमको पहला सर्टिफिकेट दो। अगर गुलबर्गा सिटी में जो गुलबर्गा डिवीजन का ओबीसी सा एक फंक्शन रखा गया, इस फंक्शन में कर्नाटक सरकार का सीएम और माजी सीएम और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और कर्नाटक के उस्तुवारी अरुण जी, ऐसे बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पक्ष के यहाँ पर लोग आ रहे के ओबीसी लोगों को जमा करके उल्लू बनाने के लिए, ये ओबीसी लोगों को जमा करके चूतिया बना के वोट लेने के लिए ये लोग यहाँ पर फंक्शन बना रहे। तुम लोगों ने जो पिछले गए हुए चुनाव में क्या वादा किए थे ओबीसी लोगों के लिए, क्या वादा निभाया आपने, क्या क्या योजना जारी किए ओबीसी लोगों के लिए, और क्या मुंह लेके आ रहे आज ओबीसी का फंक्शन कर रहे तुम लोग? ओबीसी लोगों का बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं मिला सही, तीन साल तो कोरोना में डुबा दिया आप लोगों ने, दूसरे दूसरे लोगों को जो मिलना है वो मिला, जो दूसरे दूसरे जात के ऊंचे जात के लोगों को हर चीज़ उनको मौजूद मिलती है, ओबीसी लोगों को, माइनॉरिटी लोगों को, दलित लोगों को, आपने क्या किया? आपका योजना, आपका गवर्नमेंट का योजना क्या है? जो पिछले गए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये जो गुलबर्गा उत्तर कर्नाटक में रायचूर यादगिरी इस भाग में कोली कब्बलिगा समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, तकरीबन गुलबर्गा एक एमपी क्षेत्र में करीब लाख चार लाख कोली समाज के लोग रहते, और ऐसे टोटल उत्तर कर्नाटक में 60 लाख जो कोली समाज का आबादी है। तुम लोगों ने इलेक्शन में ये जो जात है, ये जो कोली समाज है और तवार समाज है, ये लोगों को एसटी बनाते बोल के वादा दिए थे, तुम लोग हमारे को वोट दो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, हमारा सरकार आए तो कुछ ही दिनों में तुमको एसटी शरण पत्र दे देंगे बोल के वादा किए थे, जो माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा वादा किए, आज का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वादा किए, और भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वादा किए थे। जो वादा किए तुम लोगों को याद भी नहीं है, जो दो चार दिन में, कुछ ही दिनों में आप सर्टिफिकेट देते बोले थे, नहीं दिए बोलकर हम लोगों ने बिना कपड़े लंगे वहाँ होके गुलबर्गा सिटी में प्रोटेस्ट करे तो तुमको एक बात, एक लफ्ज भी बोलने का शर्म नहीं भी नहीं है तुमको। और आज के दिन यहाँ पर ओबीसी समावेश, ओबीसी फंक्शन बना रहे, इसलिए तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम लोगों को कान नहीं है, तुम लोगों की जबान नहीं है, तुम्हारी जबान नहीं है, तुम्हारी आँख नहीं है, तुम्हारी कान नहीं है, तुम्हारे पास इंसानियत नहीं है। तुम लोगों को हमारे जात के, हमारे समाज के तरफ से हर एक बार, हर एक मौके पर मनवी पत्र दिए हमने, हर टाइम तुमको अपील किए, तुमने वादा किए थे वो वादा निभाओ बोल के, तुम वो लोग वादा नहीं निभाए, इसलिए हम लोग, तुम हमारे जो कोली कब्बलिगा और तवार समाज के लोग, हम लोग आपको हमारे संगठन की तरफ से आपको घेराव करेंगे। ये राज्य के मुख्यमंत्री, ये राज्य का माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, ये दोनों लोगों को घेराव करते हैं, घेराव करके ये लोगों को काला झंडा दिखाते, तुम्हारा मुंह काला है, तुम्हारा वादा निभाए नहीं तुम लोग, हमको पहला सर्टिफिकेट दो, अगर तुम सर्टिफिकेट नहीं दिए तो हम लोगों को तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे, तुमको ऐसा हम घेराव करने के लिए हमारे लोग तैयार है, हमारे नौजवान लोग तैयार है,
हमारे बच्चों के हक छीना गया, हमारे बच्चों को जो स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहे, हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहे, हमारे महिलाओं को स्त्री शक्ति संघ जिसके रूप से कोई भी एक रुपये का अभी सब्सिडी नहीं मिला, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए तुम लोग कुछ भी योजना नहीं बनाए, एक पे एक योजना भी नहीं बनाए हमारे लोगों को, हमारे बैकवर्ड लोगों को तुम ओबीसी समावेश करके, ओबीसी ये करके तुम लोग उल्लू बना के, चूतिया बना के तुम लोग वोट लेना चाहते, ये हरकिस नहीं होगा। आगे चलकर तुमने जो पिछले गए हुए चुनाव में हमारे जात के बाबूराव चिंचांसोर और एन रवि कुमार ये दोनों को आगे रख के भरोसा देने लगे, ये दोनों भरोसा दिए या बात दिए, इनका वादा खत्म हुआ और इनका मुंह नहीं है यहाँ आने का, इसलिए आज वो प्रमोद मधुराज बोल के वो मंगलोर में रहता है समंदर में मछली पकड़ने वाला, उसको लेके आए हमारे सामने, वो भी हमारा जात का है बोल के। हमारे बाग में, हमारे ज़िले में जितने गरीब लोग हैं, जितने बेरोजगार है, ये वो मधुराज को क्या पता है, वो पहले भी MLA था, मिनिस्टर भी बनाया था। हमारे इस बाग में हमारे लोग, लाखों लोग गरीब है, लाखों लोग बेरोजगार है, लाखों लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता, बच्चों को स्कूल सिखाना नहीं होता, वो मिनिस्टर था जब कुछ भी नहीं किया, उसको लेके अब आके क्या वो उखाड़ेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, खाली पार्टी के वास्ते अपना वास्ते वो उसको सामने लाए कि तुम्हारे जात का है बोल के सामने लाके हमारे लोगों को चूतिया बनाने के लिए उसको सामने लाए। मैं प्रमोद मधुराज को ये बोलना चाहता हूँ, आप कैसे आए वैसे वापस चले जाइए, गो बैक मिस्टर प्रमोद मधुराज, यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं करते, करने वाले भी नहीं और पीछे करे भी नहीं, सरकार हमको वादा दिए, अगर तुम चाहते तो सरकार के जो पीछे बाबूराव चिंचांसोर और रवि कुमार और येडियुरप्पा और बसवराज बोम्मई जिनको साथ में लेके आओ, पहला ST प्रमाण पत्र देने लगाओ, उसके बाद में तुम हमारे बाग में घूमो, हमारे लोगों को बात दो, हमारे लोगों के साथ बात करो, वरना आपके हालत सही नहीं होगा, आपके हालत ये अंजाम बुरा होगा बोल के हम बोल रहे, आप बिल्कुल वापस चले जाइए। जो कल के दिन जो अटल जनसनी नेमदी केंद्र में जो OBC लिस्ट में तावार बोल के है और एक ST लिस्ट में है, हम अगर जात का सर्टिफिकेट लेना चाहते तो दो जगह में तावार आता, दो साल से ऊपर हो गया तावार ST में दाखिल होके, कर्नाटक सरकार क्या कर रही है, ये OBC लिस्ट में एक रखा और ST लिस्ट में एक रखे। कल आज के दिन, आज और कल के दो दिन के अंदर जो OBC लिस्ट में रखा गया तावार वो उसमें का डिलीट करके एक ही जो ST लिस्ट में वो रखो, और जो 30 तारीख के दिन तुम जो अर्जी डाले दो अपील के उनको प्रमाण पत्र इशू करो तावार जात के लोगों को। जब तुम्हारे पास इंसानियत है, जब तुम्हारे पास शर्म है, जब तुम्हारे पास जबान है बोल के हम बोलने के लिए तैयार है, अगर तुम नहीं बोलते तो हम तुमको घेराव करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, तुम कुछ भी करना है हमारे जान देने के लिए भी हम तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है, कितने लोगों को तुम जेल डालना चाहते डालो, हमारे लोगों से जो कोली कब्बल का तावार लोगों से हमारा एक विनंती है, जो 30 तारीख के दिन आप सब लोग आइए, हम सबके हक के लिए हम उनको गौरव करेंगे। धन्यवाद।